फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जहां पर आप लोग ऑनलाइन टीचिंग करके काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये वेबसाइट बिल्कुल जेन्युइन है, ट्रस्टेबल है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा फेमस भी है क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे ऑलरेडी और काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। तो ये जो वेबसाइट है काफ़ी अच्छी है। इस वेबसाइट का नाम है फोटो स्टडी। आप देख सकते हैं मैंने इधर स्पेलिंग लिख दी है, फोटो स्टडी। तो देखिए, फोटो स्टडी है क्या? फोटो स्टडी एक लर्निंग वेबसाइट है। इसको हम लोग एक लर्निंग वेबसाइट कह सकते हैं क्योंकि इस वेबसाइट पर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे टीचर्स जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं यानी कि जो लर्नर होते हैं वो अपने डाउट्स, जो भी उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, वो डाउट्स इस वेबसाइट पर आकर पूछते हैं और जो यहाँ के टीचर्स हैं या कह सकते हैं जो यहाँ के एक्सपर्ट होते हैं वो उन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर कोई एक्सपर्ट देता है उतनी ज़्यादा अर्निंग उस एक्सपर्ट को होती है, क्योंकि यहाँ पे जो अर्निंग होती है वो क्वेश्चन के आंसर देने के बेस पर ही होती है। जो जितना ज़्यादा टाइम देकर जितने ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देगा उसको उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। और टाइम कितना देना है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपके पास टाइम है उतना ज़्यादा आप लोग टाइम दे सकते हैं, यानी कि एक लर्निंग वेबसाइट है। अब देखिए, फोटो स्टडी नाम से समझ में आ रहा है फोटो, तो यहाँ पे जो लर्निंग होती है ना या फिर जो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टीचिंग होती है वो फोटोज़ के थ्रू होती है। यानी कि अगर किसी बच्चे को कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए मैं अलजेब्रा कर रही हूँ, मेरे को अलजेब्रा का एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके इस वेबसाइट पर आकर डाल सकती हूँ कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। फिर जो एक्सपर्ट होगा, जिसको भी अलजेब्रा का वो क्वेश्चन आता होगा, वो मेरे को आके वो क्वेश्चन समझा सकता है और उसके बाद उसको जो है कुछ पेमेंट दे दी जाती है। यानी कि जितना ज़्यादा आंसर हम लोग देंगे किसी के क्वेश्चन का उतने ज़्यादा जो है हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये वेबसाइट काम करती है। अब देखिए, कौन इस वेबसाइट पर पढ़ा सकता है, कौन यहाँ पर अर्निंग कर सकता है वो जानते हैं। देखिए, कोई भी यहाँ पर पढ़ा सकता है, जो भी एक सब्जेक्ट में अच्छा है वो यहाँ पर पढ़ा सकता है। अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है तो आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट अवेलेबल है, कुछ सब्जेक्ट है जो यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे मैथ्स, साइंस या फिर आप कह सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री। मतलब कहने का मतलब है जो मैथ्स और साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे और उसी से रिलेटेड यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे बैकग्राउंड के हैं कि आपने मैथ्स या साइंस में पढ़ाई की हुई है तो आप यहाँ पर ज़रूर काम कर सकते हैं। मतलब मैं तो कॉमर्स वाली हूँ तो मैं तो थोड़ा दूर ही रहूँ तो अच्छा है, क्योंकि मैथ्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये कुछ एक रहता है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि अपने सब्जेक्ट के अच्छे नॉलेज होने चाहिए। अगर आप एक हाउसवाइफ है तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं कि हाउसवाइफ है उनके पास अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा टाइम रहता है तो उतना ज़्यादा टाइम आप इस वेबसाइट पर दे सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले से ही कोई जॉब कर रहे हैं फुल टाइम, उसके अलावा भी थोड़ा चाहते हैं कि इधर उधर से अर्निंग हो जाए, तो भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे आपने बीएससी कर ली और अब एमएससी कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर पढ़ा सकता है जिसको अपने सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो। और जो सब्जेक्ट अवेलेबल है वो मैंने आपको बता दिया, जैसे मैथ्स में अलजेब्रा समझ लीजिए, तो साइंस का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री समझ लीजिए, वो कुछ सब्जेक्ट है जो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं और यहीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं। तो ये कुछ जो है पूरा प्रोसेस रहता है। अब अर्निंग की बात करें, कितनी ज़्यादा अर्निंग होती है, तो देखिए अर्निंग का तो कुछ ऐसा है कि अर्निंग आप लोग बहुत अच्छी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग होती है, जितना कम टाइम देंगे उतनी कम अर्निंग होती है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो $0.2 से लेकर $0.8 तक की यहाँ पर आप लोग अर्निंग कर सकते हैं पर क्वेश्चन के हिसाब से, हर प्रति क्वेश्चन के हिसाब से। और वही है कि भाई जितना ज़्यादा आपके पास टाइम है उतने ज़्यादा आप लोग आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको जब भी ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर पहले से कोई टाइम टेबल डिसाइड करना होता है कि मैं पहले से टाइम टेबल डिसाइड कर देती हूँ कि किस टाइम आकर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे अगर आपको दिन में 10 मिनट का फ्री टाइम मिला है तो आप 10 मिनट के लिए यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं और यहाँ पर आकर क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो वो आपको देखना है कि आपके पास कितना ज़्यादा फ्री टाइम रहता है, उतना यहाँ पर आप लोग कमा सकते हैं। यहाँ पर जो मोस्टली लोग हैं वो यहाँ पर पार्ट टाइम ही काम करते हैं कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर यहाँ पर क्वेश्चन के जवाब दे दिए, वरना जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर फुल टाइम भी काम करते हैं। मैंने यहाँ पर जो है रिव्यूज़ पढ़े हैं फुल टाइम वालों के भी और पार्ट टाइम वालों के भी, तो दोनों के रिव्यूज़ अच्छे हैं और अर्निंग को लेकर किसी ने भी कोई दिक्कत नहीं बताई है। अर्निंग के लोग सब लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा बता रहे हैं कि हाँ भाई अर्निंग के लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है। तो अगर फिर भी अगर हम ऐसी बात करें कि अगर आप पार्ट टाइम भी यहाँ पर काम करते हैं तो यहाँ पर प्रति मंथ का आप लोग जो है
30,000 रुपये तक कमा सकते हैं अगर आप यहाँ पर पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, जैसे दिन के आपने यहाँ पे दे दिए 4 घंटे 3 घंटे इस टाइप का अगर आप टाइम दे रहे हैं तो मैं इसकी बात कर रही हूँ, और अगर फुल टाइम दे रहे हैं तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा अच्छा आप लोग कमा सकते हैं। तो ये जो है कुछ मैंने अर्निंग का आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर एज एन एक्सपर्ट ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पर एक एक्सपर्ट की तरह ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपको गूगल करना होगा। क्या आपको गूगल करना है? photostudy.co और थोड़ा सा स्पेस डाल के आपको लिख देना है एक्सपर्ट, और उसके बाद आपको सर्च कर देना है। तो वहाँ पे एक्सपर्ट वाला पेज ही खुलेगा जहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन सीधा सीधा अप्लाई करने के लिए। तो वहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना है। देखिए, जब आपको अप्लाई करना होता है तो यहाँ पर आपसे फेसबुक की आईडी आपकी मांगी जाती है और उसका पासवर्ड आपको देना रहता है, क्योंकि ये लोग जो है आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपके फेसबुक को देखते हैं, ताकि आप लोग कोई फेक है तो इन लोगों को पता चल जाए कि भाई ये व्यक्ति फेक है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपनी फेसबुक की आईडी देनी होती है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, हम लोग कह सकते हैं। तो मैं कहूंगी कि आप एक दूसरी फेसबुक की आईडी बना लीजिए, क्योंकि जो हमारी वैसे असली वाली आईडी होती है उसमें तो हम कुछ भी पोस्ट करते रहते हैं। तो एक अच्छी सी जो है आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप की फेसबुक आईडी बना लीजिए, जिसमें आप एक अच्छी सी अपनी फोटो लगा दीजिए, है ना, जिसमें आप लोग एक टीचर की तरह लग रहे हो, और एक प्रोफेशनल से आप लोग अपनी आईडी बनाइए और वो आईडी से आप लोग यहाँ पर लॉगिन मतलब रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको ऑप्शन मिलते हैं कुछ वीडियोस के, यहाँ पर आपको 3 वीडियोस देखने को मिलती है। वो 3 वीडियोस अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा पता चलता है इस वेबसाइट के बारे में, और चीज़ें भी जान सकते हैं। ठीक है, वो 3 वीडियोस देखने के बाद आपको एक टेस्ट देना होता है। वो जो टेस्ट होता है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट होता है, जो भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर करना रहता है, पढ़ाना रहता है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको टेस्ट देना होता है। अब यहीं पे बात आ जाती है कि अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो ये लोग आपको सिलेक्ट कर देते हैं, और अगर आप उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो ये लोग आपको सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो आपको टेस्ट देने के मौके भी मिलते हैं, जैसे शायद 3 टाइम आपको रहता है कि आप 3 टाइम यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पूरा तरीका रहता है। तो अब मैं देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वेबसाइट किस तरीके की दिखती है। मैं आपको इंटरफेस दिखाती हूँ, मैंने इसको खोल के रखा हुआ है। तो मैंने भी यही टाइप किया था, photostudy.co, और उसके बाद जो है ये वेबसाइट खुली थी। डायरेक्ट आपको देखिए ऑप्शन भी दिखेगा अप्लाई नाउ का, तो यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और भी चीज़ें मिलेगी जो आप लोग पढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अप्लाई नाउ पे करेंगे तो आप यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए जो है एंटर हो जाएंगे। तो ये कुछ तरीका रहता है। अब देखिए, अगर आप लोगों को ये लिखा हुआ मिल रहा है कि आप जो है वेटिंग में हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उन्होंने आपको वेटिंग पर रखा हुआ है। आपकी जो प्रोफाइल है वो वेटिंग में है, तो अगर आप मतलब थोड़ा सा यहाँ पर रुकिए, क्योंकि आपको और टाइम देने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि जब भी किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है तभी आपको रख लेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो ये लोग आपको वेटिंग में रख लेते हैं, आपकी प्रोफाइल को वेटिंग में रख देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए चिंता मत करिए, जब भी इसको जरूरत पड़ेगी तो ये खुद से आपको जो है मतलब ले लेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे एक टीचर बनने के लिए, आपको सिर्फ यहाँ पर 1 घंटा देना होता है। ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो 1 घंटे का होता है, और 1 घंटे के अंदर ही आप जो है एक एजुकेटर बन जाते हैं, एक ट्यूटर बन जाते हैं, और उसके बाद आप लोग अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके की पूरी वेबसाइट थी, आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और अगर कुछ छूटा भी है तो आप कमेंट सेक्शन तो आई वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि फेसबुक आईडी होना ज़रूरी रहता है, और प्रति घंटा आप लोग $2 से लेकर $10 तक कमा सकते हैं, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, यही सब है। और हाँ, जो पेमेंट होती है वो आपको हर 15 दिन के अंदर दी जाती है। हर 15 दिन में आपको जो है मतलब महीने में 2 बार ये लोग पेमेंट देते हैं। पेमेंट जो है वो आप पेपाल के थ्रू ले सकते हैं, पेपाल के थ्रू ले सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोग पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है ना, और $US में आपको पता है यहाँ पर जो है अर्निंग होगी आपकी, और आपको इंडियन करेंसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट में अगर आप जा रहे हैं तो चिंता मत करें, बाद में ये लोग आपको ले लेते हैं। ठीक है, तो वही है कि बस नॉलेज है, तो डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ शॉट, यू कैन गिव इट अ ट्राई। ठीक है, और बिल्कुल हबड़ाए नहीं आते हैं कि पैसे नहीं मिल रहे, पहले थोड़ा अच्छे से काम करें और उसके बाद आप लोग पैसों की जो है थोड़ी सी जल्दी करें। तो ये एक पूरा तरीका रहता है, मैंने आई थिंक आपको सब कुछ कवर कर दिया है। इसके अलावा भी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा मैं कोई इंस्टा भी ज्वाइन कर सकते हैं, पायल सिंह इंस्टा मेरा यूजर नेम है। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।